आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे एक सेकंड। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन को एक सेकंड, यानी बहुत ज़रूरी है, मज़ा नहीं आ रहा ना। एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं आ रहा। और ऐसा ही होता है जब आप पढ़ रहे होते हो और पढ़ते टाइम फ़ोन चेक करते हो बार बार। फ़ोन एडिक्शन इज़ अ वेरी रियल थिंग एंड वी ऑल नो दैट, बट हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो 3-4 महीने के लिए अपना फ़ोन अपनी अलमारी में रखे उसे बंद कर दें। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए कंपेरेटिवली लेस डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस का इतना कोई सीन नहीं था, तो फ़ोन सिर्फ सोशल नेटवर्किंग या फिर इसी काम के लिए यूज़ होता था एंड एज सच और कोई काम नहीं था उसका। बट आज के टाइम पर चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बिकॉज लोग अब फ़ोन पर ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं एंड अपडेटेड रहते हैं। तो इस चक्कर में वो फोन को बंद तो नहीं कर पाते, प्लस ऐसा भी नहीं होता कि वो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए अपना फोन यूज करते हैं, और बाकी सारी चीजें भी होती हैं एंड टाइम वेस्ट होता है। एंड एक बड़ी कमाल की बात है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस को स्पीड बढ़ा के देखते हैं इन ऑर्डर टू सेव 10, 20, 15 मिनट्स, ऐसे कुछ इतना वो सेव कर लेते हैं। बट वो ये नहीं देखते कि उसके बदले में वो कितना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर आप भी इस चक्कर में फंसे हो जहां पे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप अपने फोन को अलग नहीं रख सकते बट वो एक डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब ध्यान से समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। जब भी आप रैंडमली अपना फोन उठाते हो चेक करने के लिए कि कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है, ये एग्जैक्टली काम करता है एज कैसीनो की स्लॉट मशीन। अगर कोई नोटिफिकेशन आई है तो एक डोपामिन हिट मिलता है, जैसे कैसीनो की स्लॉट मशीन में मिलता है। एंड वहीं डोपामिन की क्रेविंग की वजह से आप रैंडमली बिना सेल्फ अवेयर हुए बार बार फोन चेक करते रहते हो। कोई नोटिफिकेशन आ गई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आई तो आप फिर से ट्राई करोगे कुछ देर बाद। जब भी आप क्लासेस देखते हो तो मेक श्योर कि आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे हो, सो दैट कोई नोटिफिकेशन पॉप अप ना करे, क्योंकि अगर नोटिफिकेशंस ऑन होंगी तो नेचुरली आप क्लासेस के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम बाहर निकल जाएगा। एंड क्लास शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि भाई मैं अपने फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा एंड थोड़ा दूर रखूंगा और इस लेक्चर को वन गो में देखूंगा। एंड इन चीजों को एज अ चैलेंज लिया करो कि ये मेरा पर्सनल चैलेंज है मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि मुझे ट्राई करना है कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ अपने फोन को रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड बाय माय फोन। अब आपने लेक्चर तो देख लिया, अब बाकी दिन में फोन को अलमारी में रख दो या फिर किसी और रूम में रख दो जहां पे आप बार बार जाके चेक ना करो उसे। एंड मेक श्योर कि आपका फोन अगेन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे है या फिर एयरप्लेन मोड पे है। एंड जब ऐसा होता है कि तुम्हें फोन चाहिए डाउट्स पूछने के लिए या फिर किसी अपडेट को चेक करने के लिए, इन दैट केस एक अलॉटेड टाइम रखो उसका। तो जैसे मान लो आपने शाम के 6 से 6:30 बजे का टाइम डिसाइड करा कि यार इस टाइम पे मैं जो भी डाउट्स होंगी वो मैं इस टाइम पे लोगों से पूछ लूंगा या फिर अपडेट्स वगैरह चेक कर लूंगा। एंड मेक श्योर कि जो भी टाइम तुम अलॉट कर रहे हो ये तुम्हारे दिन का लीस्ट प्रोडक्टिव आवर हो। एंड इसी आधे एक घंटे में तुम्हें सोशल मीडिया जितना यूज करना है तुम कर लो, डाउट्स पूछनी है वो भी कर लो, बट मेक श्योर कि इस एक घंटा या आधे घंटे जो भी तुम्हारा अलॉटेड टाइम है उससे एक्सीड नहीं करना है। और जब तुम इन चीजों के लिए एक डेडिकेटेड टाइम रखोगे तो तुम्हें ये नहीं फील होगा कि यार मुझे छोड़ना पड़ रहा है, प्लस बाकी जो तुम्हारा दिन होगा उसमें तुम बेटर फोकस रहोगे। सो इस तरीके से तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस भी मैनेज हो जाएंगी, डाउट्स एंड अपडेट्स भी मैनेज हो जाएंगे एंड ऐसा भी नहीं होगा कि फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब एक चीज ध्यान से सुनो कि अगर तुम कोई इजी हैक देख रहे हो तो भाई वो एग्जिस्ट नहीं करते। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि फटाफट याद हो जाए या फटाफट वेट लूज हो जाए या फिर फोन एडिक्शन जल्दी से खत्म हो जाए, तो भाई ये सारे जितने भी हैक्स होते हैं ना, इन सबका मेन जो बेस होता है वो होता है सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। ये मेन की फीचर्स हैं, अगर तुमने इन पे फोकस नहीं कराना तो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि फटाफट चुटकी में हो जाए। तो चाहे जितने भी हैक्स देख लो, ये मत समझना कि ये सारी चीजें ईजी है, ये डेफिनेटली वर्थ इट है बट ईजी नहीं है। जब तक तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि भाई मुझे किसी चीज पे कंट्रोल लगाना है, तब तक कोई हैक वर्क नहीं करेगा। एंड इन चीजों को एज चैलेंजेस लिया करो, इरिस्पेक्टिव के एग्जाम में आगे जाके पास हो या फेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए है। सो आई होप यू फाउंड दीज टिप्स हेल्पफुल एंड फॉर मोस्ट सच टिप्स कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।